ये गलत बात है। अगर वहां 1-32 है, यहाँ 1-32 करो, या भाग जा रहे हो, गलत जो है क्या है? नहीं सर, इसमें दोनों ही पक्ष है सर। इसमें जो मुख्यमंत्री किसान में जैसे 1,29,000 है सर, तो उसमें जाकर के किसान का फोटोग्राफ लेकर के सर पूरा वेरिफिकेशन करते हैं। अरे इतने दिन हो गए, कितने दिन से वेरिफिकेशन करोगे भाई? योजना चलाने तो चलाए तो 2 साल हो गए सर। ये गैप है सर, इसको हम लोग क्यों है गैप? ये कौन की जवाबदारी थी सर? जवाबदारी तो हमारी नहीं है सर। नहीं, कौन से डिपार्टमेंट को करना था ये काम? ये रेवेन्यू का ही काम। क्यों नहीं हुआ सर? इसमें लगे हुए हैं सर ये। नहीं, लगे हुए नहीं है, इतने साल हो गए, अब तक दो साल से लगे हुए हैं सर। निवेदन ये है सर कि जिसमें करीब 6,000 सर ऐसे लोग मैप्ड हो गए थे प्रधानमंत्री किसान सम्मान में, जो अपार। देखो इसमें अब टाइम लाइन बताओ कब तक पूरे हो जाएंगे? आप जो तय कर दें। मैं तय नहीं करूंगा, आपको करना है। मैंने तो तय कर दिया, तो 2 साल हो गए। 15 डेज में तरीका थोड़ी, 15 डेज में कर दूं। ये 15 दिन में नोट कर लेना, तो मैं फिर देख लूंगा सबको। 15 दिन में किसान सम्मान निधि का और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का आपके पास 559 आवेदन आए, 559 आए पूरे शिविर में। हालांकि मैंने सोचा था कि कम संख्या होगी तो लोगों को उठा उठा के पूछूंगा, यहाँ ज्यादा संख्या इसलिए उतना संभव नहीं है। अब इनमें से 198 आपने स्वीकृत किए। अब मैं आज यहाँ जो किसान है, मैं पूछ रहा हूँ, किसान का मतलब समझ गए ना? किसान का मतलब जिनके नाम पे जमीन है, चाहे वो 1 एकड़ हो, कोई बड़े किसान की जरूरत नहीं है। किसान कौन कौन है जरा हाथ उठाओ, जो किसान है। अब हाथ नीचे करो सब। अब जिनको किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के पैसा बैंक के खाते में आ रहे हैं, वो हाथ उठाओ। ईमानदारी से उठाना, जिनके आ रहे हैं ईमानदारी से बताना है, अपन झूठ बोले कौन काटे ऐसे नहीं। ईमानदारी से जिनको मिल रहा है वो हाथ उठाओ, उसमें शर्म की काहे? मैं पूछने आया हूं। अच्छा, अब नीचे करो। अब जिनको नहीं मिल रहा है वो हाथ उठाओ। किसान होना चाहिए, बिना किसान के नहीं मिलेगा, देखना। जो किसान है और ये समझ गए कि नहीं मेरी बात, 2,000 रुपया खाते में प्रधानमंत्री भेजते और मैं भेजता हूं कुल मिला के 5 बार में 10,000, वो कौन कौन के खाते में नहीं आ रहे हाथ उठाओ। अब यह संख्या मुझे 500 से ज्यादा दिख रही है। इस शिविर में एक भी शेष नहीं रहना चाहिए, जितने हैं सबके स्वीकृत हो जाना चाहिए। बीच में आप लोग भी टाइम दो भाई, देखो शिविरों में जनता से पूछो पाछो क्या हो रहा है, आपका टाइम भी दो। और मैं आज कह रहा हूं ये 31 अक्टूबर तक शिविर चलेगा, हमने तय किया है सितंबर 17 से 31 अक्टूबर तक। उसके बाद एक भी पात्र लाभार्थी अगर बच गया, जिसको लाभ नहीं मिला, किसान बच गया, तो मैं फिर आपको नहीं छोड़ूंगा। ये सोच लेना, अब ये नहीं चल सकता जो भी, या जो भी संबंध थे आपके, कौन 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 की जवाबदारी थी, तहसीलदार एसडीएम करते कि नहीं करते, ये हो जाना चाहिए, हो जाए नंबर एक। इसके बाद आयुष्मान भारत के कार्ड कौन कौन के बने, जरा हाथ उठाओ। देखो भैया, आयुष्मान भारत का मतलब है एक कार्ड आपको बना के दिया जाता है, और उस कार्ड के आधार पर अगर भगवान ना करे कभी बीमार कोई हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज साल भर में प्राइवेट अस्पताल में भी निशुल्क करके दिया जाएगा, बिना पैसे के करके दिया जाएगा। ये आयुष्मान भारत योजना। अब मैं इसके पूछ रहा हूं, कार्ड कौन कौन के बने, जरा हाथ उठाओ। इनके बन के काफी बने हैं, अब हाथ नीचे कर लो। अब जिनके नहीं बने वो हाथ ऊपर उठाओ। इसके बाद रह गए, मेरी बात तो समझ रहे नहीं, हर एक में हाथ उठा दो, बने में भी और नहीं बने, मेरी बात समझे नहीं? जिनके बन गए अब वो हाथ नहीं उठाएंगे, जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने वो हाथ उठाएंगे। अभी बचे हैं लोग, कितने परसेंट कौन देख रहा है? सीएमए जो देख रहे हैं, कौन देख रहा है? मुझे जानकारी है। हाँ बताइए। कुल सर जो है लक्ष्य हमें 6,30,000 का मिला था सर, और 4,37,000 हमारे कार्ड बन गए हैं सर, और निरंतर कैंपों में सर हम उसको फोकस कर रहे हैं सर, तो करीब हमारा 70% जिले का सर कवरेज हो गया है सर, 30% बचा है सर। प्रदेश में हम सर 9वें स्थान पे हैं सर। अभी 100% कब तक कर लेंगे बताओ? सबके बनना चाहिए कि नहीं कार्ड? अरे बताओ जोर से, बनना चाहिए कि नहीं? तो सबके कब तक बन जाएंगे सर? हम
टारगेट कर रहे हैं कि शिविर हमारा समाप्त होते होते 31 अक्टूबर तक। यस सर, अब इसमें कोई टारगेट नहीं है। यस सर, 6 लाख भी टारगेट नहीं है। अगर 6 से ज्यादा निकल जाए, 6,50,000 निकल जाए तो भी बनाना है। जी सर, कोई टारगेट नहीं। जब देने वाला यहाँ खड़ा है तो लिखने में बनाने में तुम्हें काहे की कंजूसी करनी भाई, बनाओ फटाफट दो सबको। तो ये आयुष्मान कार्ड भी अपने कंप्लीट बन जाना चाहिए। उज्ज्वला के कितने आए अपने पास, कौन देख रहा है उज्ज्वला? हर चीज का जवाब कलेक्ट कर रहा है सर, मुझे ध्यान है सर। दूसरों को बचा तो नहीं रहे? नहीं सर, हमें जो है लास्ट ईयर हम लोग जब स्टार्ट किए थे सर, तो 1,02,000 हमारे उज्ज्वला के कनेक्शन धारी थे सर। 70,000 का लक्ष्य हमें सर जनवरी के माह में मिला था। हाँ। इसमें हम आशातीत प्रगति नहीं कर पाए सर, लेकिन कैंप में जो सर्वाधिक आवेदन हमें मिल रहे हैं। क्यों नहीं कर पाए सर? 22,000 फूड वाले बताए ना, क्यों नहीं कर पाए? 22,000 जो है सर अभी हमने कर लिया है सर उज्ज्वला में, और ये कैंप में जो आपका निर्देश। मैं ये पूछ रहा हूँ सीधे सीधे, क्या कर क्यों नहीं पाए सर? थोड़ी विभागीय कमियां रही हैं सर। कहां विभाग बुलाओ, कहां फूड वाले, कौन देख रहे? जवाब देना पड़े, कौन है? डीएसओ कहाँ है? ये खाद वाले कौन है? आओ इधर। लेकिन सर हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। नहीं नहीं, इधर आके बताएं आपका कितना कम कैसे हुआ। फूड वाले कौन है, जल्दी आओ भाई। कहाँ है, बुलाओ जल्दी। डीएसओ कहाँ है, जहां भी यहां पहुंचे सबको बुला के रखे नहीं क्या? नहीं, सभी है सर यहीं। कहाँ है, बुला जल्दी। ये उज्ज्वला के कार्ड क्यों नहीं बने, इनको दो माइक, इधर आओ। ये उज्ज्वला के कार्ड क्यों नहीं बने सर? जी बन रहे हैं सर, हफ्ता में हर हफ्ते कैंप लग रहे हैं हमारे गैस एजेंसी वाले, हर दिन कैंप लगा रहे हमने। टारगेट गैस एजेंसी वाले को बनाना था कि आपको बनाना था? गैस एजेंसी वालों को बनाना है सर। क्लियर करो, गैस एजेंसी वाले ही केवाईसी करते हैं पर कंपनी उससे अपना क्या काम है? गैस एजेंसी वाले नहीं बनाए तो आप काय के लिए हो? नहीं, हम उसको कैंप लगवा रहे थे हर मतलब एजेंसी के, और हमने कलेक्टर साहब की तरफ से 50-50 पंचायतों के कैंप के टारगेट दिए हैं, वो तो कर रहे हैं भाई। 70,000 कब स्वीकृत हुए थे बताओ, टारगेट कब आया? ये मुझे ध्यान है सर, ये जनवरी लास्ट में सीएस सर ने बैठक की थी सर। जनवरी लास्ट से अब हो गया सितंबर, ये तो पहले के हैं। अभी 70,000 का पूछा, 70 में से 30 क्यों बने, सब क्यों नहीं बने? अरे चल, कब तक चलेगा भाई सर? करा सर, आपको सस्पेंड कर रहे हैं हम। चलो, इतने दिन में बनाए नहीं, ये कोई तरीका होता है? करो नाम नोटिस का। आयुष्मान कार्ड ही नहीं बनता, उज्ज्वला गैस योजना का वो ही नहीं बनता तो क्या मतलब है सर? इनका काम जो है अत्यंत लापरवाही, सस्पेंड जाओ, बिल्कुल काम नहीं करते, ये कोई तरीका है? ये गैस एजेंसियां कितनी है यहाँ पे? क्या गैस एजेंसी चेक करो, ये गैस एजेंसी वाले पैसे पैसे तो नहीं ले लेते कोई? ये जब उज्ज्वला गैस का कनेक्शन लेने जाते हो तो कनेक्शन लेने का पैसा लेता है क्या कोई? वैधानिक कितने लगते हैं कनेक्शन के लिए? तो ये जितनी भी गैस एजेंसी है सबकी जांच करो, और जांच करके मुझे रिपोर्ट दो, और बेईमानी की होगी तो एक की नहीं छोड़ूंगा मैं सबको, ये थोड़ी चलेगा क्या? किसान क्रेडिट कार्ड का मतलब समझ रहे हैं? ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है कि जब जरूरत पड़े तो खाद और बीज, उसके लिए आपके पास कार्ड होना चाहिए, और आपको खाद बीज उस कार्ड से हम देते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो किसान है, कौन कौन के बने हाथ उठाओ, जिनके बने वो हाथ उठाओ, अब नीचे करो, जिनके नहीं बने वो हाथ उठाओ। जरा एग्रीकल्चर वालों को बुलाइए, क्यों नहीं बने? बनवा नहीं रहे इसलिए नहीं बने कि इसमें कोई लक्ष्य नहीं है। जितने
किसान है उनको देना है, लक्ष्य बता दे कौन है लक्ष्य वाले। उप संचालक नहीं, मैं अभी खेती के पूछ रहा हूं, उप संचालक कृषि का है। वो भी मैं देख कहा डीडीए आ जाओ, कितने किसान क्रेडिट कार्ड बनने थे, कितने बने। और बंदे कितने थे, तो 95,000 क्यों है, बाकी एक 25,000 क्यों नहीं बने। अब मैं आपको अभी चेता रहा हूं, 31 अक्टूबर तक जितने पात्र हैं सबके किसान क्रेडिट कार्ड बन जाने चाहिए, ठीक है, बन जाएंगे। उसके बाद कोई ऐसा ना मिल जाए जिसका नहीं बना हो, ठीक है। अब ये फिशरीज वाले हैं क्या, किसान क्रेडिट कार्ड मछली पालन वाले, आपका कितना टारगेट है मछली वाले किसान क्रेडिट कार्ड का, हैं 1100 बने कितने, 1800 कब तक बना लोगे। एक माइक इनको भी दो भाई, जनता को सुनना चाहिए, ये तो खुला दरबार है भैया, कोई लुका छुपी नहीं, जो मामला है सामने, अपन तो जनता के मुख्यमंत्री हैं। चालू हो गया, हेलो, ये कब तक बन जाएंगे। मछली पालक कितने हैं इस जिले में, और 1100 हुए टारगेट, 1100 ये पूरा करो फिर टारगेट बढ़वाते, इनका भी करो। सर एक भीलगढ़ा में अच्छा काम हुआ है सर, 400 हेक्टेयर का वहाँ पे इरिगेशन का डैम था सर, वर्षों से विवादित था सर, अभी हम लोगों ने इसको करा के नहीं है। ये डैम में ऐसा तो नहीं कि बड़े बड़े ठेकेदारों ने कब्जा कर लिया हो, सबने विस्थापितों का ही ये बना करके अभी कराया है सर। ये आप भी दिखवाइएगा जरा, ये डैमों पे बड़े ठेकेदारों का कब्जा ना हो, गरीब आदमी करे, मछुआ सहकारी समिति बना के, यानी तो बड़े बड़ों के कब्जे हो गए हो तो गरीबों को कुछ मिलते नहीं है। और इनको मछुआरे क्रेडिट कार्ड सबके 100% बन जाए, किसी को दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। लाड़ी लक्ष्मी योजना के कितने लाख आवेदन आए, लाड़ी लक्ष्मी योजना के आए या सबको मिल गया। सर सर अभी जो वर्तमान में जो लाभान्वित लोग हैं करीब 46,400 लोग हैं सर, और जो आवेदन आए हैं सर वो 90 आवेदन आए हैं सर विभिन्न शिविरों में, जो 125 शिविर हमने किए हैं सर। 90 में से कितने स्वीकृत किए हैं, सभी स्वीकृत हो गए सर। मैडम ये आवेदन हालांकि बहुत कम है, लेकिन इसकी नौबत क्यों आती है भाई, जैसे ही बेटी जन्म ले और दो लाड़ी लक्ष्मी चला। आप पूरे अच्छा काम कर रहे हैं तो आप हिम्मत के साथ बताइए। ये सर हमारे यहाँ लाडली लक्ष्मी योजना 2007 से प्रारंभ है, और मुझे जहाँ तक मालूम है हमारे सारे ये हितग्राही जो बैठे हैं उनके सारे बच्चे लाडली लक्ष्मी के पात्र हैं, वो लाडली लक्ष्मी इनके हैं। तो हमारे यहाँ सर 46,700 हमने लाडली लक्ष्मियों को लाभान्वित कर दिया सर। ऐसा है कि लाडली लक्ष्मी योजना आपकी जानकारी में है कि दो बेटियों तक बेटी को लाडली लक्ष्मी के नाम पे हम पैसे जमा करवाते हैं, और वो पांचवी पास करके छठवीं में जाएगी तो 2000 मिलेंगे, आठवीं पास करके नौवीं में आएंगे तो 4000 मिलेंगे, दसवीं पास करके ग्यारहवीं में जाएंगे तो 6000 मिलेंगे, और बाद में अब कॉलेज में भी ये बेटियां जाएंगी तो कॉलेज में एडमिशन पे 12,500 मिलेंगे, और डिग्री लेने पे फिर 12,500 मिलेंगे, और 21 साल की हो जाएंगी तो सीधे 1,00,000 रुपया मिलेंगे। मैं उसी योजना की जानकारी अभी ले रहा था, 90 जो बचे हुए हैं उनके सबके स्वीकृत हो गए, तो सबको वो कार्ड दिलवा दो लाडली लक्ष्मी के। इसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये कौन देख रहे हैं, ये महिला बाल विकास और स्वास्थ्य, इसमें कितने हो गए और कितने शेष बचे, आवेदन आए कुछ। 40 आवेदन है सर, तो इनको भी लाभ दे दो जल्दी 40 को, 31,000 देखिए तो बेटा बेटी जन्म के बाद खाते में पैसा भेज देना चाहिए, इस पे काय के लिए देर होना चाहिए। देखिए हमने योजना बनाई थी गरीब बहन, अगर बेटा बेटी की संबल योजना भी बना, गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो दोनों योजनाओं को मिला के जन्म के पहले 4000
और जन्म के बाद 12,000 रुपया देंगे दो बेटियों तक, ताकि मजदूरी करने नहीं जाना पड़े, घर पर रह के आराम कर सके। इस योजना में एक भाग तो जन्म के साथ ही, अब जन्म के पहले दे रहा है, योजना का स्वरूप बदला है। ये इसलिए कि मजदूरी ना करना पड़े। पेंशन के कितने आए मामले जल्दी बताएं, क्योंकि मेरे कार्यक्रम है आगे। पेंशन के कितने आए, अलग अलग पेंशन मिला के 14 पेंशन के योजनाएं हैं सर। हाँ, जिले में सर वर्तमान में 68,015 ऑलरेडी पूर्व से स्वीकृत है सर। इस कैंप में जो है सर 800 आवेदन आए हैं सर। 800 की जांच कर ली, सैंक्शन कितना कर दिया उसमें सर? अभी मिल कितने लोगों के रही पेंशन? 68,000 लोग हैं। 68,000 को मिल रही और 800 और आए जी सर, तो इनकी भी जांच करके करवा दो। यस सर। अच्छा भैया, एक सवाल और पूछना चाहता हूं मैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत राशन हर महीना प्रति व्यक्ति 10 किलो मिलना है, कौन कौन को मिल रहा है जरा हाथ उठाओ। जिनको मिल रहा है ईमानदारी से उठाना, नहीं तो जिनको मिल रहा है हाथ उठाओ। राशन समझ गया नहीं? अच्छा एक बात और, ये तो अपने ट्राइबल ब्लॉक है ना, तो हमने एक काम और किया है कि गाड़ी आएगी गांव में और राशन बांटेगी। तो गाड़ी गांव में आ रही राशन के लिए कि नहीं आ रही, ये कौन देख रहा भाई? डीएसओ देख रहे हैं सर। कहाँ है डीएसओ? इसमें 25% जो आदिवासी ब्लॉक है सर, उसी में स्वीकृत है ना। तो यहाँ 41 सेक्टर में सर 564 गांव का कवरेज। अब ये तो गए, इनको काय को बुला रहे? कुल वॉल्यूम का सर जो है, जो बंटन होता है सर, वो करीब 35% है सर। 65% तो पीडीएस शॉप से ही ले रहे हैं, जो मुख्यालय पे जहाँ पे नहीं, जो मुख्यालय पे है उनको तो वहीं से लेना है, लेकिन जो दूसरे गांव के आते थे, ये देख लेना, गांव वाले को नहीं, जो दूसरे टोला मजरा थे ना दूर दूर और वहां से लेने आते थे, तो वहां हमने तय किया है कि वहां गाड़ी भेज के राशन पहुंचवाएंगे। अब इस व्यवस्था को ढंग से देख लें, एक बार आप लोग भी चेक कर लें। अच्छा, ऐसे कितने जो गरीब है और राशन नहीं मिलता, वो हाथ उठाओ। जो गरीब है और राशन नहीं मिलता, थोड़े से लोग, काफी कम लोग हैं। इस राशन वाले आवेदन आए क्या? कितने आए? पात्रता पर्ची जोड़ने के लिए सर। हाँ, कितने आए? 182,000 परिवारों को हम ऑलरेडी ये कर रहे हैं। 182,000 को दे रहे हैं। 660। अच्छा, जिनके कार्ड है उनको राशन मिल जाता है कि नहीं मिलता? देख ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना भैया, है नहीं तो जबरन मुझसे हत्या करवा दो फालतू। ईमानदारी से बताना, जिनके पास राशन कार्ड है, राशन की दुकान से राशन मिलता है क्या? ज्यादातर मुझे लगता है मिलता ही है सर। 95% हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं सर। हाँ। कुछ ऐसे परिवार हैं, करीब 1,000 परिवार हमने छांटे हैं, जो पिछले एक साल से राशन लेने दुकान पे, वो कहां बाहर चले गए? तो वही सर, अभी हम लोग जो शिविर कर रहे हैं उसमें उनका भी जांच शिविर में देख के, ये सबको राशन ढंग से मिलना चाहिए, कोई वंचित ना रह जाए। अब ये कुछ योजनाओं की जानकारी मैंने यहाँ पे ली है, बाकी मैं केवल इतना कह रहा हूं कि हमारे, अच्छा बाल आशीर्वाद योजना के भी 18 आवेदन आए थे, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 18। वो क्या उनके माता पिता नहीं है तो उनको स्वीकृत करो ना, बिना माता पिता के दोनों योजनाओं में, कोविड में गए हो या कोविड के अलावा भी, अगर बिना माता पिता के कोई हो तो मामा है, चिंता ना करे, उनकी भी पढ़ाई लिखाई की पूरी व्यवस्था हम करेंगे। तो जो ऐसे बच्चे हो, 1-2,000 रुपया महीना वाली अपनी योजना है और एक ये 5,000 रुपया वाली, तो इसमें 18 आवेदन आए हैं, ये नाम भी जुड़ जाना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब एक आखिरी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास प्लस में कितने आवास स्वीकृत हुए हैं सर? आवास प्लस में जो हमारा टोटल है करीब 36,000 का था, 12,788 सर हमने सैंक्शन कर दिया सर। तो सीओ बताए जिला पंचायत, 12,800 के खाते में पैसा पहुंच गया सर? पहली किस्त केवल 58 लोगों को छोड़ के सभी के खाते में पहुंच गई है सर। उस 58 का भी हमारे पास एक एक कारण है, जो लोग फौत हो गए हैं सर उनको हम नहीं दे पाए हैं, जिनका पीएफएमएस पोर्टल में पेंडिंग चल रहा है सर उनको नहीं दे पाए। 58 को छोड़ के सभी को राशि हमने, मकान बनना शुरू हो गए, मकान बनना बिल्कुल शुरू हो गया सर,
अब हम सेकंड अजय मैं ये पूछ रहा हूँ एक सवाल कि पैसा तो हम देखो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान अभी 12,000 स्वीकृत हुए उनको मेरी चिट्ठियां गई थी क्या? बिल्कुल गई है सर। ऐसा तो नहीं पंचायत से नहीं सही रखी हो? नहीं सर गई है। सर गई है? बिल्कुल गई है। अब वो मकान ढंग से बनना चाहिए उसमें कोई पैसा वैसा तो नहीं मांगता सर? अगर कहीं से कोई शिकायत आती है तो उसमें तत्काल कार्रवाई भी करते हैं। जैसे दो लोगों भ्रष्टाचार ना चले इसलिए सीधे आपके खाते में जिनके मकान स्वीकृत होते हैं पैसा भेजा जाता है। किसी को एक नया पैसा मत दे देना, नहीं तो कोई कहता मैं स्वीकृत करवा दूंगा और नहीं तो तेरी किस्त रुक गई। अगर ऐसी जरा भी कोई गड़बड़ हो जाए तो तुरंत खबर कर देना। अगर कोई ना पैसे खाए तो नौकरी करने लायक मैं नहीं रहने दूंगा, चिंता मत करना, लेकिन पैसा एक नया मत देना। ईमानदारी से ये मकान बने और समय पर पूरे हो जाए इसकी चिंता करें। अब जल जीवन मिशन कौन देख रहा है? वो और आ जाए पीएचई पीएचई आ जा जल्दी जल्दी आ जाए। कितनी समूह पेयजल योजनाएं स्वीकृत है सर? अभी 23 योजनाएं सर हम लोगों ने बनाकर दे दी है। मेरी बहनों एक योजना बनाई प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद भी मिलता है और राज्य सरकार भी पैसे लगाती है उसमें कि हम हर गांव में एक एक करके पाइपलाइन बिछा के और घर में नल लगा के पीने का पानी टोटी वाले नल से देंगे ताकि घर में नल आ जाए और हमारी बेटियों को पानी भरने नहीं जाना पड़े। अच्छी योजना है कि नहीं बताओ? अब उसी के बारे में मैं जानकारी ले रहा हूँ। एकल कितनी स्वीकृत है और समूह कितनी स्वीकृत है? सर अभी एकल 351 जिले में स्वीकृत हो गई है सर। हाँ। और समूह सर अभी स्वीकृत नहीं हुई है सर। जल निगम का सर यहाँ पर एक भी स्कीम नहीं है सर। और हमने मेहरबानी 351 जो स्वीकृत है जी सर उनमें काम कैसा चल रहा है? कितनी पूरी हुई, कितनी अधूरी है, कब तक पूरी होंगी? जी सर 58 सर हमने आज तक पूरा कर लिया है सर। 27 सर हमने हर घर जल कर लिया है सर। और सर हम लोगों ने कलेक्टर सर के माध्यम से 5 ठेकेदार जो काम नहीं कर रहे थे सर समय पर उनको ब्लैकलिस्ट किया है सर। उनसे 58 में एक आध गांव का नाम बता दो जो पूरी हो गई हो। जी 58 में सर अपना खरगैना हो गया है सर पूरा। आज अपने उसका लोकार्पण किया है सर बजाज में। खरगैना वाले हैं क्या कोई? खरगैना नहीं, मैं जहाँ जहाँ पूछ रहा हूँ वही बताना। देखो खरगैना वाले हैं क्या यहाँ? अगल बगल की कोई पूरी हुई तो वो बताओ सर। एक टिकरिया पंचायत है सर, टिकरिया गांव हुआ है। टिकरिया वाले हैं कोई? लेकिन ये काम आम ढंग से हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर हो रहा है सर। टीपीआई संस्था भी सर आपके माध्यम से आ गई है सर हमारे यहाँ पिछले महीने में सर। उसके वो भी अब जांच कर रही है सर, हमारी पूरी टीम लगी है सर। अब एक काम मैं जनता को सौंप रहा हूँ, आपको सौंप दूं? अरे बोलो सौंप दूं क्या? ये जो नल जल योजना 300 से ज्यादा गांव में बन रही, बाकी में बनेगी अभी समूह पेयजल योजना, तो इसमें काम ठीक से हो, पाइप वाइप ठीक से लगे, टंकी ठीक से बने, और गड़बड़ हो तो तुरंत शिकायत करना। सीएम हेल्पलाइन में मैं खुद पर्सनली देखूंगा क्योंकि ये काम अच्छा होना चाहिए। अगर घटिया हो गया तो हमारे कितने दिन पानी पी पाएंगे? कम से कम 40 साल तो पानी पी पाए, 35 साल है अपनी योजना के, 35 साल पानी पी पाए। देखो कोई भी काम घटिया हो तो तुरंत बता देना, जो गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सरकार अपनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके लिए है, मुख्यमंत्री आपका है। और जन सेवा शिविर में पूरे मध्य प्रदेश में लगवा रहा हूं, केवल डिंडोरी में नहीं। ये इसलिए कि सबको अपने गांव में ही योजना का पंचायत में लाभ मिल जाए। आज यहां कुछ योजनाओं के बारे में मैंने पूछताछ की है। मेरी कर्मचारी और अधिकारियों को अनावश्यक रूप से कुछ कहने की मनसा कभी नहीं है, लेकिन गड़बड़ अगर होगी तो फिर वो सहन नहीं होगी। क्योंकि हम सब जितने भी हैं, ये मुख्यमंत्री, मंत्री, कलेक्टर, अधिकारी, ये सब जनता की सेवा के लिए है लोकतंत्र में। तो हम सेवक हैं आपके, उनकी सेवा जो बेहतर करेगा उसको हम पुरस्कृत करेंगे। एक ग्रेडिंग करो, जो बहुत अच्छा काम करते हैं उनकी उनको हम पुरस्कृत करने का काम करेंगे और गड़बड़ करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। आगे 31 अक्टूबर तक की अपनी तारीख तय है, उस बीच में मैं डिंडोरी जिले में फिर आऊंगा और कोई गड़बड़ अच्छी दिखी, काम अच्छा दिखा तो पीठ थपथपाएंगे और गड़बड़ हुई तो फिर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।
सर, सर।